जैसा कि पिछला मैंने बताया था आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बंड मेड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए चार बातों पर ध्यान देना चाहिए। बंड हाइट, मेड की ऊंचाई, टॉप विड्थ, शीर्ष मेड की शीर्ष की चौड़ाई, बॉटम विड्थ, मेड की आधार की चौड़ाई। ये बंड हाइट है और ये साइड स्लोप है, इससे आप मेड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सूत्र है, मेड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर बंड बॉटम विड्थ यानी आधार की चौड़ाई प्लस शीर्ष की चौड़ाई इंटू बंड हाइट अपान 2। ठीक, इससे जो है आप मेड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आइए बंड हाइट कैसे, मेड की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। किसी भी मेड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उस मेड की ऊंचाई, मेड पर रुकने वाले अपधावन जल की ऊंचाई पर निर्भर करती है, जो दो क्रमिक मेड़ों के क्षैतिज दूरी यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। मेड़ों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जो उस क्षेत्र में आवर्तन काल क्या है कि ये एक तरह से किसी निश्चित समय में हुई वाली वर्षा है, उसको हम 10 ईयर्स मान के चलते हैं। के लिए 24 घंटे में जो वर्षा होती है, ठीक है, उसके निकालने के लिए, बंड हाइट निकालने के लिए दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है मेड की ऊंचाई का विकल्प पर निम्न, पहला है किसी बाह्य क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी पट्टी से बहने वाले जल की मात्रा। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए कोई मेड है 1 मीटर चौड़ी है, उससे मेड के ऊपर से पानी बह रहा है, तो उससे जो पानी बह रहा है, पानी की मात्रा या उसका आयतन कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक सूत्र है, क्यूबी बराबर आर ई इंटू एच आई अपान 100। क्यूबी बराबर है आपका अपधावन का आयतन, ठीक है, आरई बराबर है 24 घंटे में होने वाली वर्षा, एच आई बराबर है क्षैतिज अंतराल या क्षैतिज दूरी। ठीक है, दूसरा है प्रति मीटर मेड की लंबाई के लिए उसकी जल ग्रहण क्षमता, निम्न समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं, क्यूसी बराबर डब्ल्यू एस इंटू डी अपान 2। अब डब्ल्यू एस और डी ये कहाँ पर हैं, ये आगे आइए आप दूसरे उसमें। अब जो 1 मीटर चौड़ी पट्टी से जो पानी बह रहा है, ठीक है, और 1 मीटर जो लंबाई की जो मेड़ है उसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है। ठीक है, इसके लिए जो मेड़ पर रुका जल है का आयतन है और जो अपधावन जल बह रहा है, इसको हम यदि बराबर करने पर अर्थात क्यूबी बराबर क्यूसी, ठीक है, जो अभी क्यूबी भी और मैंने बताया आर ई इंटू एच आई अपान 100, क्यूसी बराबर डब्ल्यू एस इंटू डी अपान 2। ठीक है, ये मेड़ है, ठीक है, मेड़ के पीछे जो है जल फैलाव है, ठीक है, ये डी जो है जल की गहराई है, कितना मतलब जल भरा है। ठीक है, तो क्यूबी बराबर क्यूसी। ठीक है, अब क्यूबी का सूत्र क्या है, आर ई इंटू एच अपाई 100 बराबर डब्ल्यू एस इंटू डी अपान 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डी निकालना है, ठीक है,
जो मेड़ के पीछे जल भरा है उसकी गहराई। ठीक है, अब यहाँ पर पक्षांतर करने पर आर इंटू एच आई इंटू टू बराबर डब्ल्यू एस इंटू डी इंटू 100, अथवा डी बराबर आर ई इंटू एच आई अपान टू अपान डब्ल्यू एस इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर डी बराबर इसको काट देंगे तो आर ई अपान 50 इंटू एच आई अपान डब्ल्यू एस। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या किया गया है, एच आई क्या है, दो मेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी है। ठीक है, अपन इसके क्षैतिज हॉरिजॉन्टल इंटरवल बराबर ये जो है अब डब्ल्यू एस है जो मेड़ के पीछे जल फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि एच आई एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी अपान डब्ल्यू एस जो मेड़ के पीछे जल भरा है, इसको हम यदि वी आई अपान डी माना गया है, मेड़ों का वर्टिकल इंटरवल अपान जो है जो मेड़ के पीछे जल की गहराई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एच आई अपान डब्ल्यू एस बराबर वी आई अपान डी, ठीक है, रख देते हैं। इसलिए डी बराबर आर ई अपान 50 इंटू बी आई अपान डी। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर आर ई इंटू बी आई अपान 50, इसलिए डी बराबर अंडर रूट आर ई इंटू बी आई अपान 50। ठीक है, इससे आपकी ये डेप्थ निकल आएगी। ठीक है, अब क्योंकि मेड़ जो है मिट्टी की हमेशा मिट्टी की बनी होने के कारण जो है जल के कारण जो है मिट्टी धंसती है, अतः जो मतलब धसकन प्रतिपूर्ति दी जाती है जो मृदा के गठन मृदा नमी तथा मेड़ की कटाई भराई पर निर्भर करती है। इस तरह इसके लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति जो मतलब मेड़ धंसती है चाहे वो जल के कारण हो या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बर्फ पड़ती है इसके कारण जो है मेड़ जो है घटती बढ़ती रहती है, इसके लिए जो प्रतिपूर्ति दी जाती है अर्थात जो मिट्टी भरी भराव किया जाता है उसको फ्री बोर कहते हैं। इस प्रकार बंड हाइट जो है बंड हाइट बराबर डी प्लस यस प्लस यफ। ठीक है, डी बराबर जो कि हमने अभी निकाला मेड़ के ऊपरी क्षेत्र में रुकने वाले जल की ऊंचाई है, इस चित्र में ये जल की ऊंचाई है इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, यस बराबर है धसकन या घटाव से प्रतिपूर्ति मेड़ कितनी धसी है, यह बराबर है शीर्ष आंसर या इसको फ्री बोर्ड कहते हैं, फ्री बोर्ड। ठीक है, मतलब कितनी मिट्टी यदि मिट्टी वो धंसी है तो कितनी मिट्टी में धंसने के बाद मिट्टी भरी गई है उसको हम शीर्षांतर कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो है ये बंद हाइट निकल आएगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट था ये हुआ बंड हाइट, दूसरा है बॉटम विड्थ। बॉटम विड्थ कैसे निकालेंगे, मेड़ की ये इसको मेड़ की आधार की चौड़ाई द्रव्यीय प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, अवरुद्ध जो है अवरुद्ध अपधावन जल के कारण
जल और अवरुद्ध अवधावन जल के संपर्क के जो मेड़ के पीछे जल भरा है, इससे क्या होता है, मेड़ धीरे धीरे जो है मेड़ की मिट्टी जो है संतृप्त हो जाती है, अर्थात लुके जल का ऊपरी तल मेड़ के किनारे पर जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है, एक ढालू मेड़ के। अब ये सैचुरेशन लाइन जो बनी, संतृप्त जो लाइन बनी, इस रेखा के ढाल की लंबाई के प्रति अर्थात क्षैतिज होरिजेंटल, ये होरिजेंटल है जिसको ई से प्रदर्शित किया गया है, और ये वर्टिकल है, ठीक है। इस रेखा के जो संतृप्त लाइन रेखा के जो है क्षैतिज अंतराल, क्षैतिज साइड और पार्श्व, ठीक है, इसको वर्टिकल कहते हैं। इसमें जो अनुपात होता है उसी को द्रव्यीय प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मृदाओं की सीपेज लाइन या सेचुरेशन लाइन या संतृप्त रेखा की द्रव्यीय प्रवणता निम्न है। सामान्य रूप से द्रव्यीय प्रवणता का मान जो है 4:1 होता है, ठीक है। जैसे ये मृदा के प्रकार हैं और ये द्रव्यीय प्रवणता है क्षैतिज और उदग्र अंतराल, ये ठीक है, इस रेखा की, ठीक है। चिकिटीवीटी क्ले सॉयल का जो है 3:1 होता है, क्षैतिज अंतराल वो सॉरी क्षैतिज और उदगमी। रेतीली मिट्टी सैंडी लोम जिसको कहते हैं 5:1, और फाइन सैंडी एंड सिल्ट सॉयल का होता है 6:1। इस प्रकार उपरोक्त से ये स्पष्ट है कि सीपेज लाइन जो है संतृप्त जो है द्रवीय प्रवणता जो हैवी सॉयल में अधिक होता है तथा लाइट सॉइल में जो हल्की मृदाएं हैं उनमें कम होता है, ठीक है। अब BW निकालने के लिए जो है एक सूत्र है, बॉटम विथ बराबर टॉप विथ प्लस 2 साइड स्लोप इनटू बंड हाइट, इससे जो है बॉटम विथ निकाल लेंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पार्श्व ढाल साइड स्लोप को पार्श्व ढाल अनुपात में व्यक्त किया गया है, अर्थात ठीक है, ये यहाँ पर एक मेड़ है, ठीक है, जिसका मेड़ मैंने बताया था, हमेशा मेड़ का आकार जो है ट्रेपजॉइडल रखा जाता है, सम लंबाकार, ठीक है। ये क्षैतिज तरफ है और ये उदग्र है, ठीक है, ये उदग्र है, ठीक है। इस प्रकार जेड बराबर ई अपान डी, ठीक है, ई क्या है क्षैतिज है और डी क्या है उदग्र पार्श्व है, इस प्रकार जेड बराबर ई अपान डी। अब आइए, ये हुआ बॉटम बिट हुआ, इसके बाद जो है टॉप बिट, ठीक है। टॉप मीन्स होता है शीर्ष की चौड़ाई, ये इस चित्र में देखिए, ये है शीर्ष की चौड़ाई मेड़ की, ठीक है। मेड़ की समान मुख्यतः शीर्ष की चौड़ाई 0.3 से 0.6 मीटर रखी जाती है, लेकिन समान रूप से मेड़ की जो टॉप बिट होती है 0.5 मीटर होती है। यदि हमें पगडंडी रास्ते के लिए मेड़ का उपयोग करना है तब जो है मेड़ की शीर्ष की चौड़ाई जो है 0.5 से 1 मीटर रखी जाती है, ठीक है। अब आइए मेड़ का साइड स्लोप, ये मेड़ का साइड कुछ विभिन्न प्रकार की मृदाओं में जो है एक फिक्स रखा गया है, साइड स्लोप निम्न है। पार्श्व ढाल क्ले सॉयल का, क्ले सॉयल यानी हैवी या भारी मृदाएं 1:1 रखा जाता है, ठीक है। यदि हमारी चिकनी मिट्टी है तो वहां पर मेड़ का जो है
साइड स्लो, ठीक है। ये ठीक है, यानी एक अनुपात एक, ठीक है, ये रखा जाएगा। अगर लोम सॉयल है जिसको मीडियम सॉयल कहते हैं, एक 1.5 अनुपात एक रखा जाता है। जो लाइट सॉयल है, हल्की मृदाएं हैं, जिनको सैंडी सॉयल कहते हैं, 2 अनुपात एक रखा जाता है, ठीक है। इस तरह आपका ये आज बेंडिंग का चैप्टर समाप्त हो गया।